सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हिंदी को हम लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें आपका हिंदी प्री और मेंस दोनों में आता है। हिंदी प्री में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें कि आपको 55 प्लस आपको करना होता है, अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो आप फाइट जो है कि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उसी को टारगेट करते हुए तथा अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी पूछी जाती है, जैसे आपकी TGT PGT इत्यादि परीक्षाओं में जो आपके मास्टर का एग्ज़ाम होता है टीचर्स का। तो ऐसे में हम लोग उसी को टारगेट करते हुए हिंदी को देख रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा देखी थी, ठीक है। और विशेषण की परिभाषा के साथ साथ विशेषण के भेद भी देखे थे, ठीक है। विशेषण के भेद और विशेषण के भेद में गुण संख्या परिणाम, गुण संख्या परिमाप, ठीक है। तो परिमाण के आधार पर हमने जो है कि विशेषण को बांटा था 4 भागों में, और वो 4 भाग थे सर्वनामिक विशेषण, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, संख्यावाचक विशेषण जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, परिमाणवाचक विशेषण जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और गुणवाचक विशेषण जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो गुणवाचक विशेषण को बताया गया है उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे थे तुलनात्मक में, तुलनात्मक विशेषण या तुलना विशेषण का तुलना कर रहे थे, उसको तुलना हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री देखा था, और हम लोग देख रहे थे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाले विशेषण को हम लोग देख रहे थे। उसी में हम लोग देखेंगे कि क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो क्रिया विशेषण में हम लोगों ने देख लिया था कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उदाहरण आएंगे एडवर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ, तेज, ये एडवर्ब हम लोग देख रहे हैं। अब, रात, धीरे धीरे, ये सारे एडवर्ब की विशेषताएं हैं, विशेषता को बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, ठीक है, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, इत्यादि। तो ये सारे जो एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं, और क्रिया विशेषण शब्द हैं ये, प्रायः क्रियाओं की विशेषता को यह बताते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने उदाहरण देखा था, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब यहाँ पे चलना एक क्रिया हो गई, बच्चे, अब धीरे धीरे ये इनकी विशेषता हो गई, यानी कि चलने की विशेषता हो गई। धीरे धीरे चलना है, तेज चलना है, धीरे धीरे चलना है, एकदम स्लो चलना है, रेंग रहे हैं, ये सारी विशेषताएं। तो धीरे धीरे चल रहे हैं बच्चे, तेज चल रहे हैं। अब इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग अगर तेज को यूज करेंगे तो बच्चे तेज चल रहे हैं, ठीक है। तो चलना मतलब तेज विशेषता हो गई, तेज चल रहे हैं। इस तरह से बच्चे रात में चल रहे हैं, ठीक है। रात अगर यूज़ करें हम लोग यहाँ पे, तो रात क्रिया की विशेषता को बताने लगा कि बच्चे रात में चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चे प्रतिदिन टहलते हैं, अगर उदाहरण ले लें तो बच्चे प्रतिदिन टहलते हैं, टहलना एक क्रिया हो गई,
टहलना, इस तरह से आप एडवर्ब को बना सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। अब हम लोग समझेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और आप लोग अपना इनपुट ज़रूर दें ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण के प्रकार को तीन आधार पर डिवाइड किया जाता है, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार, ठीक है। तो इसके जो है तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, प्रयोग के अनुसार। दूसरा क्या कहता है, रूप के अनुसार। और तीसरा क्या कहता है, अर्थ के अनुसार। प्रयोग, रूप और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं तीन प्रकार। चलिए, प्रयोग के अनुसार हो जाता है साधारण, संयोजक और अनुबंध, ठीक है। क्रिया साधारण, इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, साधारण, संयोजक और अनुबंध। इसी तरह से रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, फिर यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। रूप के आधार पर मूल, यौगिक और स्थानिक। अर्थ के अनुसार, अब देखिए अर्थ के अनुसार में भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न बताए गए हैं, ठीक है। कई पुस्तकों में चार भेद बताए गए हैं, परंतु कई पुस्तकों में नौ भेद बताए गए हैं इसके। लेकिन हम लोग चलेंगे, तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, आयोग से जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो हम लोग बात भी मानेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें जो है कि चार भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर चार भेद कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा आपका हो जाता है परिणामवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाता है परिमाणवाचक। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर चार भेद बताए गए हैं। अब प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार को हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है, प्रयोग, रूप और अर्थ। चलिए, तो प्रयोग के अनुसार हम लोग देखेंगे साधारण क्रिया विधेयक विशेषण, सॉरी विशेषण। अब देखिए, साधारण क्रिया विशेषण में होता क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाए, ठीक है, शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इसमें किया जाता है। तो वाक्य में शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए जिस वाक्य में, उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग उदाहरण लें, तो उदाहरण में देखेंगे, अरे संबोधन चिन्ह, अरे तुम कब आए,
अरे तुम कब आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें जो अरे है, जो इसको जो है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है, तो यह हो जाएगा साधारण क्रिया विधि। इसी तरह से अरे अब मैं क्या करूँ, राम जल्दी करो, इस तरह से श्याम जल्दी करो, ठीक है, अरे अब मैं क्या करूँ, आश्चर्यवाचक, ठीक है, संबोधन चिन्ह, अरे अब मैं क्या करूँ, या फिर अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, अरे वह चोर कहाँ गया, इस तरह से। तो जिनका जो है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए, तो जिनका वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है उनको साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे चलते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण।